हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू हॉलीवुड मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन की ओटीटी रिलीज डेट के बारे में। ये मूवी आपको आफ्टर सिनेमा रन के बाद कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और इस मूवी को इंडिया में कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी में रिलीज किया जाएगा और कब तक रिलीज किया जाएगा, तो सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मार्वल स्टूडियोज की मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन, जिसको वर्ल्ड वाइड 26 जुलाई को रिलीज किया गया है, ये एक सुपर हीरो एक्शन एडल्ट कॉमेडी मूवी है जिसमें आपको मेन लीड में डेडपूल एंड वुल्वरीन एक साथ देखने को मिलेंगे। वहीं मूवी को थिएटर्स में काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और अगर हम बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में तो वो है 8.3 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही बढ़िया है। 200 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने अपने फर्स्ट ओपनिंग वीकेंड में 438 मिलियन का कलेक्शन भी कर लिया है। वहीं इंडिया से भी इस मूवी ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 63 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और जिस तरह का रिस्पांस इस मूवी को मिल रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी इस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन जाएगी और इंडिया से भी ये मूवी 250 से 300 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर लेगी, क्योंकि इस मूवी का इंडिया में भी क्रेज बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इंडिया में इस मूवी को ओटीटी पर थोड़ा देर से रिलीज किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि ये मूवी सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगी इंटरनेशनल बीओडी पर और ये मूवी आपको इंटरनेशनली रेंट पर कब तक देखने को मिलेगी, इसके लिए आपको 2 महीने का वेट करना पड़ेगा। ये मूवी आपको सितंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। और बात करें इसकी रिलीज डेट के बारे में कि इसकी एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है, हमारे पास जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग डेट है 27 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 27 सितंबर को ये मूवी आपको सबसे पहले इंटरनेशनली बीओडी सर्विस पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कहा जा रहा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन कुछ चांसेस हैं कि शायद इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज किया जाए इंटरनेशनल बॉर्ड सर्विस पर, लेकिन हिंदी में रिलीज होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। बाकी अगर हम बात करें कि बाद में ये मूवी आपको इंडिया में कब तक देखने को मिलेगी तो इसको लेकर भी हमारे पास अपडेट आ चुकी है, तो इसके लिए आपको करना होगा 21 अक्टूबर तक का वेट। जी हाँ दोस्तों, 21 अक्टूबर डेट निकलकर सामने आ रही है जहाँ पर इस मूवी को इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। तो 21 अक्टूबर को ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु भाषा में रिलीज कर दी जाएगी, तो इसको ओटीटी पर रिलीज में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम है और अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते तो अभी जाकर आप इस मूवी को थिएटर्स में एंजॉय कर सकते हैं और थिएटर में ये मूवी आप सिर्फ 3D में ही देखना, क्योंकि इसको थिएटर में देखने का असली मजा 3D में ही है और ऐसी मूवी वैसे भी साल में एक ही बार आती है, तो ऐसी मूवीज को आप सिनेमा घरों में मिस नहीं कर सकते। तो ये था डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का ओटीटी रिलीजिंग अपडेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ओटीटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमटी एक्सप्लेन्ड।